भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक, क्राइस्ट, क्रिस्टोस और कृष्णा। अच्छा, इंग्लिश में लिखा था ना ये तो, क्राइस्ट क्रिस्टोस। अच्छा, हिंदी में नहीं लिखा था, हिंदी में लिखा था और कृष्ण। सो आज क्रिसमस है और हैप्पी क्रिसमस। वैसे तो क्रिसमस दिसंबर 25 क्राइस्ट का बर्थडे माना जाता है, ऐसा कहते हैं। सो आज पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेशंस हो रही हैं, सेंटा क्लॉज आते हैं। अमेरिका आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा, स्पेशली मिड वेस्ट में अमेरिका के, ये वहाँ पे क्रिश्चियंस बहुत हैं। तो घर घर में, जैसे हमारे दिवाली में होता है, घर घर में लाइट्स होती हैं और सेंटा क्लॉज आते हैं और वो टॉफ़ी बच्चों को बांटते हैं और लोगों के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स लाते हैं। बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं आज के दिन। सो वेस्ट यूरोप, अमेरिका, पूरा वेस्ट आज लास वेगास बना होगा। लास वेगास मीन्स लाइटिंग सारी जगह होती हैं। सो क्रिसमस, क्राइस्ट का बर्थडे। और शीला प्रभुप एक्चुअली चैतन्य चरितमृता में आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव दत्त वासुदेव वो कौन था विप्र वासुदेव विप्र कीड़े थे जिसके, महाप्रभु ने उसको बोला था कि एक शुद्ध भक्त भी पूरे संसार को तार सकता है। एक शुद्ध भक्त काफी पूरे संसार को तारने के लिए। सो प्रभुपाद से पूछा था क्राइस्ट कौन है। प्रभु ऑस्ट्रेलिया में कोई पता नहीं, प्रभुपाद ने कहीं किसी एक कॉलेज में फंक्शन दिया था, यूनिवर्सिटी थी सॉरी, तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्रिश्चियंस, फनेटिक क्रिश्चियंस आ गए थे, कम्युनिस्ट थे, तो उन्होंने वो प्रभुपाद के लेक्चर को तंग करने के लिए तो बीच में उन्होंने म्यूज़िक बजा दिया था। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के टेम्पल प्रेसिडेंट उस टाइम करंधर प्रभु थे, तो उन्होंने बोला कि अब म्यूज़िक बंद करो, ये क्या है, हम इतनी दूर से लेक्चर देने हैं, हमारे स्वामी जी इंडिया से म्यूज़िक बजा रहे हो। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा फिर आप क्राइस्ट को क्या मानते हैं। प्रभुपाद ने कहा बस प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो ऑफकोर्स आई मीन टू से भक्तिविनोद ठाकुर भी क्राइस्ट को, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि क्राइस्ट का संबंध भगवान से दास्य भाव में था, एक्चुअली नहीं वात्सल्य भाव में, हाँ वात्सल्य में, क्योंकि क्राइस्ट अपने आप को बोलते थे आई एम द सन ऑफ गॉड। ऑफकोर्स क्रिश्चियनिटी में थोड़ी कन्फ्यूजन है, कुछ लोग क्राइस्ट को गॉड ही बोलते हैं, बट जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड ही बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सन थे मगर सन और गॉड में कोई डिफरेंस नहीं है, ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, सन फादर एंड द होली गोस्ट वो वन एंड द सेम है। सो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बट शीला प्रभुपाद ने ये भी बोला था। एक्चुअली प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, जब शुरू में प्रभुपाद ने अपना तो सेकेंड एवेन्यू में मैचलेस गिफ्ट में अपना सेंटर खोला था, तो वहाँ पे तो आते ही थे सारे हिप्पीज, तो हिप्पीज यही पूछ रहे थे कि व्हाट डू यू से अबाउट क्राइस्ट। एक पूरा इंसिडेंस है कि आई थिंक वो आया था प्रभुपाद को टेस्ट करने और उसने बोला कि प्रभुपाद कुछ उल्टा फुल्टा बोलेंगे क्राइस्ट के बारे में फिर मारेंगे, तो पूरा वो स्कीम बना के आया था। तो उसने पूछा कि प्रभुपाद क्राइस्ट कौन है, प्रभुपाद ने कहा वी आर द डस्ट ऑफ हिज लोटस फीट। वो बिल्कुल चेंज एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, सुन रहा था हिंदू हैं ये बोलेंगे हम मारेंगे, वो बिल्कुल चुप बैठ गया। सो ऑफकोर्स अगर कुछ एम्पावर्ड लिविंग एंटिटी तो हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी फैली है आज, और क्राइस्ट जो है उन्होंने उनका मैसेज जो है वो एक बहुत यूनिक है, इन द सेंस कि मतलब इससे पहले जो जुडाइज्म था, यहूदी रिलीजन,
तो उसमें मोसेस ने, मोसेस उसके फाउंडर फाउंडर थे, मोसेस ने जुडाइज्म में एक बहुत ही रिचुअल्स बहुत दिए. मतलब समझ लो कि जुडाइज्म एक जैसे हमारे कर्मकांड है वैसा ही सा है, रिचुअल्स के साथ. ऑफकोर्स कर्मकांड नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि उन्होंने तो भक्ति का प्रचार किया, मगर बहुत रिचुअल्स कैसे कहेंगे, रीति रिवाज, बहुत सारे रीति रिवाज थे. मगर धीरे धीरे जुडाइज्म कर्मकांड में बदल गया. जैसे हमारे वेद में भी रीति रिवाज तो हैं ही, वेदों में यज्ञ है, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे, रीति रिवाज फॉलो करते थे, मगर धीरे धीरे वो यज्ञ और रीति रिवाज कर्मकांड में बदल गया. जैसे अब हमारा वर्णाश्रम आएगा सिस्टम, प्रभुपाद ने कहा वर्णाश्रम स्थापित करो, तो वर्णाश्रम में सारे रीति रिवाज तो आ जाएंगे सारे के सारे दोबारा से, बट वो कर्मकांड नहीं होगा, वो भक्ति के अनुकूल होगा. तो यहूदी रिलीजन में रीति रिवाज भक्ति के अनुकूल थे और वो लोग फॉलो करते थे, मगर समय के साथ साथ, काल के साथ साथ वो सिर्फ रीति रिवाज रह गए, भक्ति हट गई, तो वो कर्मकांड में बदल गया. तो लोग तो उनका बहुत बड़ा मंदिर था जेरूशलम में, आज भी है उनके. तो यहूदी रिलीजन में एक बहुत बड़े डिवोटी थे किंग सोलोमन और डेविड, उन्होंने जेरूशलम का मंदिर बनाया था, और वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, सब अपना अपना मतलब एनिमल्स लेके जाते हैं, सेक्रीफाइस होती है, बहुत कुछ होता है उनका, सिस्टम्स होते हैं उनको, मतलब बचपन से एंड तक बहुत सारे रीति रिवाज हैं उनके, रूल्स हैं. तो उनका वो होता है ना, क्या क्या कहते हैं आपका, तौहीद, क्या क्या कहते हैं उसको, हमने पढ़ा था, टोरा टोरा, हाँ टोरा, टोरा टोरा में तौहीद जो भी टोरा होती है उसमें सारे रीति रिवाज लिखे हैं, लॉस. तो समझ लो कि एक तरह से टोरा उनका धर्मशास्त्र हो गया, जैसे हमारा है. अब जब वो कर्मकांड में बदल गया तो फिर क्राइस्ट आ गए, और क्राइस्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया. जैसे हमारे वैष्णवों ने सारा कर्मकांड सेक्शन रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम इसको नहीं मानते, हम यज्ञ वज्ञ नहीं मानते, हम वो सब नहीं, और भक्ति की स्थापना की. क्राइस्ट ने एग्जैक्टली वही किया, भक्ति की स्थापना की. तो एक्चुअली तो मोसेस ने 10 कमांडमेंट्स दिए थे, 10 मेन रूल्स दिए थे. तो क्राइस्ट ने कहा यस, उसमें एक्चुअली 10 कमांडमेंट्स और फिर एक मेन कमांडमेंट था. तो 10 कमांडमेंट्स लोग फॉलो करते थे, क्राइस्ट ने कहा नहीं, मोसेस का एक मेन कमांडमेंट है जो आप सब भूल गए. और फिर उन्होंने बोला वो, तो लोगों ने पूछा वो क्या है, तो क्राइस्ट ने बोला वेल वो है लव योर लॉर्ड विद ऑल दाय स्ट्रेंथ, ऑल दाय बॉडी एंड ऑल दाय सोल. कि अपने भगवान को, तो हम कहते हैं ना कर्माना मनसा वाचा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, वही टाइप ऑफ है, सेम चीज़ है. अब भगवान को मन वचन और वाणी से प्रेम करना चाहिए हर कंडीशन में. तो उसको बोलते हैं द बिग कमांडमेंट. तो क्राइस्ट ने बोला कि तुमने तो मेन चीज़ तो मिस ही कर दी, तुमने तो मेन चीज़ मिस ही कर दी, तुम तो सारे रीति रिवाज में फंस गए हो, और जो मोसेस जो सिखाने आए थे वो तो तुमने ख़त्म ही कर दिया. वो एक्चुअली सिखाने आए थे प्रेम, मगर तुमने प्रेम को छोड़ के रीति रिवाज में फंस गए हो. इनफैक्ट हमारे वैष्णव आचार्यों ने भी यही किया है, नहीं वही बोला ना सारे ब्राह्मणों से पंडितों से कि भी तुम सारे धर्मशास्त्रों के नियमों में फंस गए हो, मगर तुम मेन चीज़ भूल गए, कृष्ण को प्रेम करना है. ये सेम चीज़ थी. तो ये जो प्रेम का संदेश था वो क्राइस्ट लेके आए. इनफैक्ट ये कब आए थे क्राइस्ट, 2000 साल पहले ना, आज अप्रॉक्सीमेटली 2021 साल पहले ये समझ लो, 2021 है. और उसी टाइम आपके आए थे ये, ऑलमोस्ट उसी टाइम, एक्चुअली ऑलमोस्ट इसी टाइम, सॉरी. सो इनफैक्ट इस्लाम बाद में आया है प्रॉफिट मोहम्मद, और वैष्णव सारे हमारे बाद में आए. इनफैक्ट पहला व्यक्ति जो प्रेम का संदेश लेके आया था वो क्राइस्ट ही थे, वो मेरी एनालिसिस क्योंकि उससे पहले बुद्धिस्ट हैं, क्राइस्ट से 600 साल पहले बुद्धिस्ट थे, बुद्धा आए थे, अशोक का राज्य और ये सब, चंद्रगुप्त और ये सब नहीं, और
चाइनीज़ रिलीजन था, ग्रीक रिलीजन था, अब्राहम रिलीजन, जुडाइज्म था, यहूदी रिलीजन, और क्राइस्ट आए और वो प्रेम का संदेश लेके आए। सो अब सबसे पहले प्रेम का संदेश लाने वाले क्राइस्ट हो गए पृथ्वी में, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हो गए। अगर थोड़ा सा अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके देखें तो बुद्धिस्ट तो शून्यवाद है, उनको प्रेम से कुछ लेना देना नहीं है। जैन्स थे, वो भी नास्तिक रिलीजन है। बाकी षट दर्शन थे, न्याय वैशेषिका का नाथ, उनको तो कुछ लेना देना ही नहीं है, मोक्ष, वो तो मोक्ष की बात करते हैं। तो प्रेम का संदेश था कहाँ? भगवान से प्रेम करना ये कॉन्सेप्ट नहीं था, था अभी तो कुछ ही लोगों के पास, एक मेजर ग्लोबल वे में नहीं था। क्राइस्ट लेके आए, इसलिए हम क्राइस्ट किसी प्रभुपाद ने कहा ही वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। ऑफकोर्स हम आज की क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते क्योंकि उन्होंने तो सारा अब संदेश उल्टा फुल्टा कर दिया है। बट एज फार एज क्राइस्ट कंसर्न्ड और उनकी जो मेन टीचिंग्स हैं, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको शुद्ध भक्ति लगेगी। वो मेरे कुछ फ्रेंड्स ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, मतलब ग्रीस में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, जो पुरानी क्रिश्चियनिटी है ना, जो शुरू से चलती आ रही है, वो लोग यही कहते हैं कि क्राइस्ट ने हमें सिखाया है कि अपने फादर को लव करना है। और उनका ये भी कहना है, आजकल की क्रिश्चियनिटी क्रॉस पे है ना, बहुत क्रॉस लेके घूमते हैं, मगर जो वो जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो कहते हैं हम नहीं मानते सब। हमारा मेन ये नहीं है कि वो क्राइस्ट को लटकाया था, क्रूसीफाई किया था, हमारे लिए मेन वो नहीं है, हमारे लिए मेन उनकी टीचिंग्स हैं, समझ गए ना। तो उन्होंने कहा कि वो तो हमें सिखा रहे थे क्राइस्ट की कि अपने मैसेज को प्योर रखना चाहिए हमेशा। सेम एग्जैक्टली सेम बात कह रहा था मुझसे कि अपने मैसेज को प्योर रखना चाहिए। अगर आपका मैसेज मतलब कभी चॉइस आई कि मैसेज चेंज करना है, जीवन देना है, तो जीवन दे दो। वो ये सिखा रहे थे, उन्होंने अपनी टीचिंग्स चेंज नहीं की कभी भी। तो उनका एक्चुअली जो जनरल क्रिश्चियनिटी है वो तो बस वो तो क्रूसिफिक्शन को ही मेन, क्रूसिफिक्शन कहते हैं ना, लटका दिया, उसी को मेन मानती है वो तो। ठीक है चलो लटका दिया। और कई क्रिश्चियंस तो पूरे वर्ल्ड में, मतलब आज के दिन नहीं, मतलब ऐसे कि अपने आप को भी क्रूसीफाई कराते हैं, उनको भी मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं कि उनको भी ठोका जाता है, कील से लटकते हैं वो, क्रॉस लेके जाते हैं जेरूशलम में, सेम चीज़ करते हैं वो, कि हमें भी वैसा फील हो जैसा क्राइस्ट को फील हो रहा था। बट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग कहते हैं सब तो पागल बनती है, उनकी टीचिंग्स फॉलो करनी चाहिए। सो एनीवे मतलब मैं बता रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी में भी कुछ क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो कि बाइबल का सही मैसेज और क्राइस्ट को सही तरीके से देखते हैं। सो ये तो बात है क्रिश्चियनिटी की, मेरी एनालिसिस है, किसी की और हो तो बता देना, मगर मेरी एनालिसिस ऐसी है कि पहला प्रेम का संदेश क्राइस्ट लेके आए। सो क्या क्रिश्चियन बन जाएंगे? क्रिश्चियन कन्वर्शन। बट भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पता नहीं आमना सूत्र या तत्व विवेक में एक किसी किताब में, उसमें लिखा है कि क्राइस्ट वात्सल्य भाव में थे, प्रेम का संदेश तो लेके आए मगर प्रेम में वात्सल्य भाव था उनका। भक्ति विनोद ठाकुर की एनालिसिस ऐसी है। और उसके बाद आया इस्लाम, तो क्रिश्चियनिटी भी धीरे धीरे चेंज हो गई। क्राइस्ट ने जो प्रेम का मैसेज दिया वो भूल ही गए, उन्होंने प्रेम का मैसेज को कन्वर्ट, स्पिरिचुअलिटी को कन्वर्ट कर दिया मोरालिटी में, मतलब आपका चैरिटी और सर्विस में। तभी सारे क्रिश्चियंस मतलब गरीबों की सेवा करते रहते हैं, नहीं ऐसे ही होता है ना, हॉस्पिटल खोलते रहते हैं, तो वो उसके अंदर घुस गए सब। उन्होंने मैसेज सही नहीं समझा, मतलब हर मोमेंट टाइम के साथ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। कृष्णा खुद कह रहे हैं ना, योगो नष्ट परंतप एवं परंपरा प्राप्त एवं राशियो विदु सकालीन महत योगो नष्ट परंतप। कृष्णा खुद कह रहे हैं कि समय के साथ साथ कई परंपराएं शुरू हुई और कई परंपराएं नष्ट हो गई। तो ये कोई नई बात नहीं है कि कोई मूवमेंट शुरू हुआ और नष्ट हो गया। मतलब बुद्धिज़्म आया था
और धीरे धीरे बुद्धिज़्म ख़त्म हो गया, मतलब इंडिया में नामो निशान नहीं बचा बुद्धिज़्म का, बाहर है चलो वो बात अलग है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी आई तो हो सकता है कि परंपरा चल रही हो मगर परंपरा का संदेश ख़त्म हो जाता है, संदेश कुछ और बन जाता है, इंस्टीट्यूशन चलती रहती हैं, संदेश ख़त्म आता है। संदेश ख़त्म होने का मतलब है कि वो परंपरा ही ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपका हो गया ना अभी काल के साथ ख़त्म हो जाता है, तो बुद्धिज़्म तो चल रहा है, क्रिश्चियनिटी चल रही है, सब तो चल रहा है, मगर नहीं एक्चुअली चलते हुए भी नहीं चल रहा। क्योंकि अगर आदमी मतलब अगर आदमी ज़िंदा है, जैसे हम कहते हैं ना जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति नहीं है वो मरा हुआ है, वो जिंदा लाश है, जिंदा है मगर एक्चुअली मरा हुआ है, सेम बात है। बस जैसे शरीर में आत्मा होती है ऐसी परंपरा की आत्मा है संदेश, उसका मैसेज, अगर मैसेज करप्ट हो गया, मैसेज ख़त्म हो गया तो समझ लो कि उस परंपरा की आत्मा ख़त्म हो गई, वो मर गई है परंपरा। तभी कह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ काल के साथ साथ परंपरा नष्ट हो जाती है। तो क्रिश्चियनिटी भी धीरे 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 स्पिरिचुअलिटी से मोरालिटी में बदल गई, वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी समाज सेवा में बदल गई सारी क्रिश्चियनिटी, नहीं आज यही है। तो उसके बाद इस्लाम आया, प्रॉफिट मोहम्मद, और प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि देखो ये जो यहूदी लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो अपना मैसेज भूल चुके हैं। तो उन्होंने ये जो है ना ये जो अल्लाह वर्ड है अल्लाह, ये एक्चुअली प्रॉफिट मोहम्मद का दिया हुआ नहीं है, ये बाइबल में भी यही वर्ड है, पता है आपको? आप बाइबल ऐसे तो इंग्लिश में पढ़ते हो ना, फादर फादर लिखा है ना उसमें, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ओरिजिनल बाइबल इंग्लिश में नहीं है। क्राइस्ट इंग्लिश थोड़े ना बोलते थे, हिब्रू और उससे पहले एरेमिक, एरेमिक और हिब्रू लैंग्वेज वहाँ पे चलते। ऐसे जैसे यहाँ पे नहीं, ऐसे हिंदी है, जैसे यहाँ पे जैसे मान ले दिल्ली की हिंदी है, बिहारी हिंदी है, झारखंडी हिंदी है ना, ऐसे हिब्रू एरेमिक ये सारी ऐसी थी, एक झारखंडी हिंदी, एक बिहारी हिंदी, एक दिल्ली की आसपास की लैंग्वेज थी एरेमिक, ग्रीक, हिब्रू, तो उसमें लिखी गई थी। उसमें आप ओरिजिनल पढ़ोगे ना तो उसमें अल्लाह वर्ड यूज़ किया हुआ है फादर को, ऐसा भी है। और भी बहुत सारे नाम हैं गॉड के, भगवान के 72 नेम्स हैं बाइबल में, 72 नाम। मगर जो इंग्लिश जो वर्जन है बाइबल का जो अभी पढ़ते हो आप, उसमें सारे नामों को फादर ट्रांसलेट किया हुआ है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। आप कहोगे फादर फादर, ठीक है फादर ही है, मगर जो मेन जो पुराने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो कहते हैं कि 72 नेम्स हैं। और आज भी ग्रीस में उन 72 नाम जो तुम्हाला पे, वो 72 नाम जपते हैं, इंटरेस्टिंग है नहीं? तो उनकी भी साधना नाम साधना ही है, जैसे हमारी साधना है असली क्रिश्चियनिटी में, साधना नाम साधना ही है। तो अल्लाह मतलब क्या होता है? ऑल पावरफुल फादर भी होता है, ऑल पावरफुल फादर इस तरह से है, अल्लाह अल्लाह अल मतलब होता है ग्रेट, अल ओहो रहमान, सुने सबसे पहले अल 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 लगता है ना, क्या है क्या कहते हैं, ला नहीं नहीं ऐसे कैसे बोलते हैं, ला इलाही अल्लाह कैसे कुछ, हाँ ला इलाही अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये उनका दीक्षा मंत्र है सीरियसली। अगर किसी को मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको ये बोलना पड़ेगा, ला इलाही इल्लल्लाह, ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, कि अल्लाह के सिवाय और कोई भगवान नहीं है, ला इलाही इल्लल्लाह, और उनके रसूल कौन है, मोहम्मद। तो मानते हो इसको, तो वो फिर वो बोलेगा हाँ ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, ठीक है तुम मुस्लिम बन गए। ऐसे ऐसे दीक्षा देते थे प्रॉफिट मोहम्मद, ऐसे वहाँ पे ये इनिशिएशन मंत्र है उनका, हाँ प्रॉफिट मोहम्मद उस टाइम जब उन्होंने इस्लाम शुरू किया था, तो ऐसे अपने 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 डिसाइपल्स बनाते थे कि तुम ये मानते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो
कहते हैं हाँ हम मानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है तुम अब डिसाइपल बन रहे, तो ऐसे फैल गया सब. सो अल्लाह अकबर, तो अकबर मतलब होता है ऑल ग्रेट, अल्लाह मतलब होता है फादर, फादर ऑल माइटी फादर, ऑल माइटी फादर द मोस्ट पावरफुल फादर, इस तरह से. सो तो प्रॉफिट मोहम्मद है, उन्होंने वो उन्होंने कहा भी सारा मैसेज करप्ट हो गया, तो मैं दोबारा से मैसेज को अब रीएस्टैब्लिश करूँ. जैसे कृष्ण ने कहा ना परंपरा ख़त्म हो गई तो मैं दोबारा से गीता बोल रहा हूँ, बस वही प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे बोला ऐसे बोलने को. तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद ने वही मैसेज दिया जो क्राइस्ट ने दिया, मगर उनका रस जो भगवान से था वो था साखे रस, वो अपने को फ्रेंड कहते थे अल्लाह का, प्रॉफिट मोहम्मद. ये भक्ति विनोद ठाकुर के एनालिसिस है. मोसेस जो मोसेस थे क्राइस्ट से पहले यहूदी रिलीजन में, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि वो एक्चुअली भगवान के साथ दास्य रस में थे, दास्य वात्सल्य साख्य आ गया ना. और फिर चैतन्य महाप्रभु आया, उन्होंने कौन सा दिया, उन्होंने भी प्रेम का संदेश दिया, मगर उनका रस क्या था, माधुर्य. तो उन्होंने ऐसे बताया स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे एक्सप्लेन किया. तो ये जो है ना यहूदी जुडाइज्म क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनको तो इन तीनों को अलग अलग धर्म नहीं माना जाता, मतलब लोग मानते हैं मगर वैसे ये एक ही धर्म है, और उसको बोलते हैं अब्राहमिक रिलीजन, अब्राहमिक रिलीजन उसको एक ही माना जाता है. क्यों? क्योंकि मोसेस ने जो संदेश दिया वो करप्ट हो गया, उसको ठीक करने के लिए कौन आए, क्राइस्ट है, तो क्रिश्चियनिटी शुरू हुई. और क्राइस्ट ने संदेश दिया करप्ट हो गया, तो उसको ठीक करने कौन आए, मोहम्मद, तो वहाँ से इस्लाम शुरू हुआ. तो इसलिए इस्लाम वाले क्राइस्ट को मानते हैं और मोसेस को मानते हैं, इस्लाम वाले. क्रिश्चियनिटी वाले मोसेस को मानते हैं, इस्लाम को नहीं मानते, क्योंकि इस्लाम तो बाद में आया ना. और जो आपके यहूदी वाले हैं, ये वाले मोसेस वाले, उसे मोसेस को मानते हैं, क्राइस्ट को नहीं मानते और मोहम्मद को नहीं मानते. ऐसे इस्लाम को नहीं मानते. अब्राहम से शुरू हुआ था सब. सो ये सारी हिस्ट्री है, बट पॉइंट ये है कि भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, पॉइंट ये है कि क्राइस्ट से एक प्रेम का संदेश धरती पे आया. वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना इस्लाम में कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि आपका जन्नत से प्रेम का नसूर उतरा, सुना है? तो धरती को क्या बोलते हैं ये लोग, धरती को क्या बोलते हैं इस्लाम में, क्या बोलते हैं धरती को उर्दू में, जहनुम तो नीचे है, जहनुम थोड़े ने, नहीं भूल गया मैं. एनीवे प्रेम का नसूर जन्नत से उतरा, महफिल है. तो याद नहीं आ रहा है, एनीवे क्या है, अच्छा तेल खत्म हो गया, मुझे पानी पी रहा है आराम से भी, छोड़ दो. सो पॉइंट ये है कि ये क्राइस्ट ने प्रेम का संदेश लेके, और फिर धीरे 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 चैतन्य महाप्रभु के टाइम तक वही प्रेम का संदेश था, मगर वो प्रेम का संदेश गाढ़ा होते 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 एक अपनी मैच्योरिटी तक पहुंच गया. जैसे एक फूल होता है, पहले कली होता है, फिर थोड़ा खिलता है और खुलता है, और फिर जब पूरा खिल जाता है तो उसमें से खुशबू आती है. तो चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रेम के संदेश को अपने क्लाइमैक्स तक ले जाए. क्लाइमैक्स समझते हो ना, क्लाइमैक्स समझते हो ना, क्या हो गया,
हाँ मूवी का क्लाइमैक्स नहीं होता, हाँ बिल्कुल, हाँ मेन बिल्कुल हाइट तक ले गए। माधुर्य भाव, उस माधुर्य भाव में भी महाभाव, और महाभाव में भी मादनाख्य महाभाव। हम तो सो जाते हैं ये सुन के, जो चैतन्य महाप्रभु संदेश लेके अब वो इतना टॉप मोस्ट है तो हमारा क्या रिलेशनशिप है मतलब वो क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने तो बड़े एंथुसियाज्म से बोला मैं लेके आया हूँ महाभाव, मादनाख्य महाभाव लेके आया हूँ। आप कहोगे अच्छा महाभाव ये कहा है वही ना, वही जो कर रहे थे आप रो बोल रहे हैं, बोल रहे बाप रे बाप यार क्या है, खोपड़ी घूम गई महाभाव मादनाख्य, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो चैतन्य महाप्रभु देने जो आए ना वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तभी तो नमो महावदनी आए, तभी कह रहे हैं उन्होंने ऐसी चीज़ें दी जो हम समझ ही नहीं सकते और रिलेट भी नहीं कर सकते, इतने मर्सीफुल हैं वो कि हमने ऐसी चीज़ें दी जो हमें समझ ही नहीं आएगी ये कृपा है पता नहीं कैसी कृपा है कृपा है मतलब ये वही बात हो गई कि आपने एक बच्चे को क्वांटम फिजिक्स की किताब दे दी, नर्सरी क्लास के बच्चे को आपने क्वांटम फिजिक्स की किताब दे दी, क्या होगा, फाड़ के खा जाएगा वो, और कुछ नहीं होगा, समझ तो आएगा नहीं उसको कुछ भी। तो वही बात है एक्चुअली महाप्रभु ने दिए, बट चैतन्य महाप्रभु ने एक और काम किया है। अब आप कहोगे क्या आप चैतन्य प्रभु पागल थे जो इन्होंने इतनी हाई फाई चीज़ दे दी जो हमें कभी समझ ही नहीं आएगी, मतलब वो कैसी कृपा, अजीब सी कृपा हो गई ना, ये तो कृपा हुई नहीं, ये तो टाइम वेस्ट हो गया। मगर एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने हमें जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं जो श्लोक है ना चैतन्यता में, अनार पिता चिरम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलऊ सामर्पितम, मारना थोड़े ना है, हाँ समर्पितम उन्नत उज्ज, पंजाबी में बोल रहे हो क्या संस्कृत है, समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रीयाम। सो इसकी कमेंट्री में जीवा गोस्वामी लिख रहे कि महाप्रभु ऐसी चीज देने आए जो कभी नहीं दी गई थी, वो तो बात सही है। तो क्वेश्चन है कि फिर चैतन्य महाप्रभु को हम सबसे कृपा क्यों, कृपा का अवतार क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें ऐसी चीज़ दी गई जो कि हमें कभी समझ नहीं आएगी तो कृपा नहीं, वो तो हमें चंपू बना दिया कृपा थोड़े ना है, वो तो चीट करके चले गए। मगर जीवे को समझ लेंगे नहीं, वो लिख रहे हैं उन्होंने हमें किताब, उन्होंने बच्चों को क्वांटम फिजिक्स भी दी, मगर बच्चे को क्वांटम फिजिक्स समझने की पावर भी दे दी, वो महाप्रभु ने कर दिया, उन्हें हाईएस्ट चीज़ें दी और अपने गोस्वामियों के थ्रू, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, अपने गोस्वामियों के थ्रू उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन शब्दों में रख दी जो कभी नहीं हुआ। मतलब क्राइस्ट भी प्रेम को शब्दों में नहीं रख पाए, उन्होंने सिर्फ एक लव यू ऑल माइटी, लव योर फादर विद ऑल योर हार्ट ऑल योर सोल एंड ऑल योर स्ट्रेंथ, मगर लव क्या है उन्होंने वो नहीं बताया, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया नहीं लव क्या है, हमारे किसी वैष्णव आचार्य ने भी डेफिनेशन नहीं दी प्रेम की, चैतन्य महाप्रभु ने दी। ये जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि पहली बार हिस्ट्री में किसी ने प्रेम को परिभाषा दी है, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले भी प्रेम की परिभाषाएं दी हैं कवियों ने, कवियों ने दी है, जैसे भरत मुनि ने लिखी है कवि प्रेम की परिभाषा, और रस भी पूरा, रस भी असाख्य रस सब डिफाइंड है भरत मुनि का, मगर महाप्रभु ने और उनके अनुयायियों ने क्या किया है, उन्होंने प्रेम की परिभाषा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में दी है जो कभी नहीं दी गई। हम मंडेन में तो ठीक है प्रेम प्रेम क्या बताते रहते थे, मगर आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में भगवान से प्रेम क्या वो किसी ने नहीं बताया। मतलब मैंने तो कितने सारे क्रिश्चियन सेंट्स के पढ़ा है, इनफैक्ट ये सेंट फ्रांसिस का जो ऑर्डर है उसमें जितने भी
वो भी क्रिश्चियन थे एक बहुत बड़े, और उसमें भी जितने भी बड़े बड़े मिस्टिक सेंट्स आए हैं उन्होंने प्रेम की बात की है, सबने प्रेम की बात की है, रूमी ने भी प्रेम की बात की है सूफिज़म में, मगर प्रेम है क्या किसी ने नहीं बताया, घूमते ही रह गए, मतलब समझ लो कि वो पॉइंट के चारों तरफ घूमते रह गए, पॉइंट पे आ नहीं पाए, महाप्रभु पॉइंट पे आ गए, उन्होंने कहा ठीक है लेट्स कम टू द पॉइंट, प्रेम क्या है, इसलिए उनको नमो महावदन्याय बोलते हैं। सो चीज़ भी है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, आप समझ भी सकते हो और उसको ले भी सकते हो, इसलिए मैं कहता कि क्रिसमस आज बहुत अच्छा दिन है, मतलब आप लोग सोचते होंगे कि क्या क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं, बट जो 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 मेरा व्यू है, किसी को और कोई व्यू हो सकता है, मेरा व्यू है वो ये है कि आज के दिन अगर क्राइस्ट का बर्थडे हुआ है आज के दिन, तो वो भी एक डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि 25 दिसंबर को ही क्राइस्ट का बर्थडे हुआ है, वो एक एक डिबेट है, बट एनी वे अगर मान लेते हैं कि हुआ है, वो तो रिच स्कॉलर्स बताएंगे एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो तिथि के हिसाब से होना चाहिए है ना, इसलिए तो तिथि है, तो उस टाइम तो कैलेंडर भी नहीं था, कैलेंडर तो था नहीं ना, तो बाद में आई है ना चीज़ें, और जीसस क्राइस्ट की कोई जन्मपत्री तो है नहीं, जन्मपत्री तो बनती नहीं थी, तो नक्षत्र आती थी, तो 25 दिसंबर आया कहाँ से पता नहीं तो ये बहुत सी स्कॉलर्स कहते हैं ये बाद में, कौन है किंग था उसने कुछ रिसर्च जो भी जुगाड़ करके ये लेके आया कि इसे बनाई जाए बर्थडे, वट एवर इट इज़, बट बर्थडे तो हुआ ही होगा। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं क्योंकि ये बर्थडे जो डेट है ये ऐसी गप है, बनाई गई है, तो वो कहते हैं इसका मतलब है कि ना बर्थडे थी ना बंदा था क्राइस्ट ही कोई नहीं था, ये बनाया ही गया, फिगर ही बनाई गई है, ऐसा भी कुछ स्कॉलर्स की ओपिनियन है, हिस्टोरिकल पर्सन ही नहीं है ये, बट हम लोग ऐसा नहीं मानते, ये तो सब स्कॉलर्स तो कुछ भी बोलते रहते हैं, बट पॉइंट ये है कि आज बर्थडे जो भी है अगर है तो क्राइस्ट तो थे और आए भी थे, हाँ वो तो मानते ही हैं, तो आज का बहुत ऑस्पिशियस दिन है, क्योंकि आज के दिन क्या हुआ था हमारे हमारे अकॉर्डिंग, हम क्या कहते हैं, तुलसी मनानी है तुलसी मनानी का ही बर्थडे है, लाइव क्लास में कमेंट्स में लिख रहा था बार बार कि आज तुलसी मनानी का आविर्भाव दिवस है, इसमें तुलसी मनानी का आविर्भाव दिवस है, ये कहाँ है, ये जो क्रिश्चियनिटी को खत्म करने के लिए कि क्रिश्चियन, एक मिनट, तो मैं पॉइंट क्या कह रहा हूँ, पहले मैं तो मेरा तो पॉइंट सुनो, तो आज हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, गौड़िया वैष्णवों के लिए, हम आज का दिन देखते हैं जिस दिन प्रेम इस धरती पे उतरा है, ये मेरा व्यू है, महाभागवत का अलग हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मेरा है या विष्णु का अलग हो सकता है, हरिहर का अलग हो सकता है, आप लोगों का अलग हो सकता है, ये मेरा व्यू है, तुम मुझसे लड़ाई मत करना, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आज के दिन प्रेम धरती पर उतरा है, इसलिए हम इसको आज के दिन को, अगर आज के दिन बर्थडे हुआ है तो हम इसको ऑस्पिशियस मानते हैं, शुभ दिवस मानते हैं। It's interesting. तो आज के दिन हमें ध्यान आता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रेम है, ये मैं बताना चाहता हूँ, बस प्रेम है हमारे जीवन का लक्ष्य, ये जितने भी जो पावरफुल सेंट्स आते हैं इतिहास में आए हैं और आगे भी आएंगे, हमारे वैष्णव आचार्य चाहे प्रॉफिट मोहम्मद चाहे ये लोग क्राइस्ट, ये सब हमें यही याद दिलाना चाहते हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवान को प्रेम करना है, बाकी चीज़ें बहुत सेकेंडरी हैं बस, और भगवान केवल भगवान को प्रेम करना है, ला इलाही इल्लल्लाह याद रखना केवल अल्लाह और अल्लाह के सिवाय कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ये मतलब है ला इलाही इल्लल्लाह का, एग्जैक्टली
मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं समझ आते, बट इल का मतलब नहीं नहीं है शायद, इल मतलब नहीं है शायद, ला इलाही जैसे कि व्हाटएवर इट इज, सो वही मतलब, मतलब अनन्य भक्ति है, अनन्य डिमांड तो यही कर रहे हैं ना, अनन्य भक्ति क्राइस्ट भी ये डिमांड कर रहे हैं, हम भी ये डिमांड कर रहे हैं अनन्य भक्ति। ऑफकोर्स हमारी जो कंसेप्शन है अनन्य भक्ति की वो बहुत हाई है, उनकी इतनी हाई नहीं है, बट हमारी हाई है, बट कॉन्सेप्ट वही है। सो ये इसलिए जितने भी सेंट्स का जो बर्थडे आता है, जो भी आता है, ऐसा नहीं है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है हम बहुत एक संकीर्ण दृष्टि के लोग हैं कि हाँ क्रिसमस है ये तो उनके लिए है, ऐसे कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब हिंदुत्व तो ऐसे ही है, है नहीं फैनेटिक, हाँ मतलब फैनेटिक लोग हैं, मगर ऐसा नहीं है, अगर आप एक बृहद दृष्टि से देखोगे तो ये तो सही नहीं है ना। सब रिलीजन्स हैं, उनका अपना मैसेज है, जो समझेगा उसको समझ आएगा, जिसने पढ़ा है उसको समझ आएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो फिर ऐसे ऐसे चीज़ें कहेगा। सो हमने फास्टिंग तो नहीं किया आज, मगर फास्टिंग नहीं करते वो तो अपने आचार्यों के लिए नहीं करते हम, काफ़ी मतलब मध्वाचार्य रामाचार्य के भी नहीं करते, तो ऐसा नहीं कि हम ऑफेंस कर रहे हैं, बट तो वर्तमान आचार्यों के लिए होता है, बट वी रिस्पेक्ट दिस डे, और अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बाइबल पढ़नी चाहिए, क्योंकि बाइबल का बाप है श्रीमद् भागवतम, भागवतम में तो बहुत हाई थियोलॉजी है, मतलब जितना बाइबल में, तो बाइबल में डिवोशन की फिलॉसफी इतनी वेल डेवलप नहीं है, फिलॉसफी नहीं है वहाँ डिवोशन की, वो तो क्रिश्चियनिटी में बाद में जो थियोलॉजियंस और फिलॉसफर्स आए थे, जैसे थॉमस अगस्तीन आया था, और थॉमस अगस्तीन तो बहुत फेमस है, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी की फिलॉसफी बनाई, मगर हमारे यहाँ तो फिलॉसफी बहुत डेवलप्ड है। चैतन्य महाप्रभु ने पूरी रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को भक्ति की फिलॉसफी बताई है, नहीं सिद्धांत बताया है। जो हमारा बहुत फॉर्चून है कि हमारे को, हमें पता है कि भगवान कौन है, हमें पता है कि उनको प्रेम करना है, हमें भी पता है प्रेम की परिभाषा क्या है, हमें भी पता है कि प्रेम कैसे करना है, हमें भी पता है कि प्रेम कहाँ तक पहुँच सकता है, प्रेम की ऊँचाई कितनी है, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। तभी तो प्रभुपा कहते थे कि डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, वह कहते थे कि लाइफ हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की, हमें सब कुछ पता है, मिस मत करो। हाँ वो बात है कि, और उसमें घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, कभी कभी भक्ति में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे आज कौन पूछ रहा था, विवेक जो भी है, सो वो पूछ रहा था, ऐसे कई डिवोटी पूछते हैं कि प्रभु जी कई दिन से चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही, तो क्या करें। नहीं क्वेश्चन अच्छा है, मतलब डिवोटीज़ का होता है, कभी चैंटिंग अच्छी होती है कभी नहीं होती। उसने बोला प्रभु जी कई दिनों से चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही, क्या करें। तो मैंने उससे कहा कि विवेक कई दिनों से मेरी चैंटिंग बस हो रही है, मैं क्या करूं। हो गई बस, मेरी भी अच्छी नहीं हो रही, उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी, तो क्या करें, कुछ नहीं, मन का स्वभाव ही है, कभी मन लगता है कभी मन नहीं लगता, मन तो ऐसी है, मन कहते हैं ना मन तो पागल है, कहते नहीं क्या था वो, क्या है क्या है, दिल तो पागल है। अच्छा दिल तो पागल है, अच्छा ये था, मैं वही सोच रहा था मन तो पागल है, क्या सोच रहा हूँ, हाँ दिल तो पागल है, ये सॉन्ग था ना, हाँ तो मन ही मन ऐसे ही चंचलम ही मना कृष्णा, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी आपकी चैंटिंग अच्छी होगी कभी नहीं होगी, कभी नीचे जाएगा मन कभी ऊपर जाएगा, कभी भक्ति नीचे होगी कभी ऊपर होगी, उससे घबराओ मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समुद्र में कभी लहरें आती हैं कभी पानी नीचे नहीं, कभी वेव होती है कभी, इसको बोलते हैं ना है यार वो क्या होता है, नहीं नहीं ट्रफ और वेव्स क्या होता है, क्या कहते हैं ट्रफ, ट्रफ नीचे होता है,
हाँ क्रेस्ट, क्रेस्ट और ट्रफ्स, मैथमेटिक्स पता है ना, ये भूल गए क्या? हरियर याद है? चलो ठीक है, लहरें होती है ना ऊपर नीचे ऐसे होता है ना, तो जब ऊपर आती है तो वो क्रेस्ट होता है हाईएस्ट पॉइंट, जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो ट्रफ होता है, फिर ऊपर नीचे ऊपर। तो भक्ति में ऐसे होते, कभी बिल्कुल ऊपर चली जाती है, कभी ऐसा लगता है मैं सेवेंथ को स्वामी बन गया, ऐसी चैंटिंग होती है कि ओ नहीं, मतलब ऐसा माइंड हो जाता है सबको प्रेम करते हैं, सबके पैर छुएंगे, बिल्कुल ऐसा हो जाता है माइंड, दीनहीन पूरा बिल्कुल ऐसे झुक जाते हैं, बिल्कुल हाई सेवेंथ को स्वामी, कभी बिल्कुल नीचे, बिल्कुल डीमन साले कुत्ते, इसने ऐसा कर दिया, इसने कहा, पूरा माइंड उल्टा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, बिल्कुल मन नहीं लगता भक्ति में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर से ऊपर जाएगी, फिर से ऐसे ही चलती, ऐसे माइंड का ऐसा स्वभाव है। बट हम अपने टारगेट पे फिक्स रहते हैं, हमें पहुंचना है, नहीं समुद्र में लहरें आती है मगर शिप चलता रहता है, कभी ऊपर जाता है लहरों के हाथ, कभी नीचे आता है, ऊपर ऊपर नीचे होता है मगर आगे चलता रहता है नहीं। अगर आगे चलना छोड़ दिया तो फिर डूब जाएगा, तो ऊपर नीचे हो के डूब जाएगा, और क्या होगा। वैसे अगर तूफान में शिप रुक गया तो क्या होगा, अगर रुक गया, अगर आगे नहीं जा रहा तो क्या होगा, फिर तो लहरें इधर उधर फेंक देंगी है नहीं, क्योंकि आगे नहीं बढ़ रहा ना, एक आगे बढ़ने से पानी कटता रहता है तो चलता रहता है। जैसे साइकिल अगर रुक जाए तो क्या होगी, वो तो चल रही है इसलिए नहीं गिर रही, क्लियर हो गया ना, चलने से नहीं गिर रही है, रुक जाएगी तो गिर जाएगी, आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही जब आप, अगर आपकी भक्ति रुक गई, आगे बढ़ना रुक गया तो गिर जाओगे आप घुस जाएगी अंदर, ऊपर नीचे होने तो कोई नहीं, चल आगे चलते रहो बस, उससे डरो मत, घबराओ मत, माया ऐसे ही आपको घबरा के रोकेगी, माया यही करती है, ये देखो अभी तुम्हारी भक्ति नीचे चली गई, ऊपर चली गई, नीचे चली गई, ऊपर चली गई, आप कहोगे ये क्या हो रहा है, ओहो अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये वो ये वो ये वो, बस रुक जाओगे आप, रुको मत, चलते रहो बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक दिन आप पहुंच जाओगे वहां तक। तो ये संदेश है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, चलते रहो बस। अगर आपके पीछे शेर पड़ा है तो क्या करोगे, गिर गए तो उठ के नहीं भागोगे और फिर गिर गए तो और फिर गिर गए, करते रहोगे ना, है नहीं, क्योंकि अगर रुक गए तो शेर खा जाएगा, बस यही है, पीछे माया पड़ी है, गिर रहे उठो, गिर रहे उठो, हजार बार गिर रहे उठ जाओ, चलते रहो बस, सोचो मत, बस ये मत सोचो मैं गिर रहा हूं, जैसे ही आपने सोचा मैं गिर रहा हूं, शेर पकड़ लेगा आपको, क्योंकि वो तो बहुत स्पीड से आ रहा है ना, आप गिरे एकदम से, जैसे पिक्चर में नहीं देखा था, शेर पड़े होते हैं, वो भाग रहे, लड़की भाग रही होती है, एक लड़का भी भाग सकता है मगर जनरली लड़की भागती है, वो फिर कब वो फिर बीच में कोई तना आता है, पेड़ कटते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठती है, ऐसे ऐसे हॉरर मूवीज दिखाते हैं, पीछे भूत पड़ा है कोई, ऐसे कोई ईवल कुछ और लड़की भाग रही होती है अंधेरे में जंगल में, चिल्ला के पीछे से वो आ रहा होता है, कोई कुल्हाड़ी पकड़ के जो भी मारने के लिए, तो भागती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर ऐसी चलती रहती है ना वो। सो वो ये नहीं देखती कि मैं गिर रही हूँ, टाइम नहीं है सोचने का कि मैं गिर गई, क्यों गिर रही हूँ ये भी टाइम नहीं है, क्या चुभा है ये भी टाइम नहीं है, बस एक ही चीज़ माइंड में, भागो, यही है ना। वो क्या था आपका एक मूवी में था ना, भाग रे मेरे भाई, क्या था, अरे है क्या था, भाग मिल्खा,
अच्छा नए मोमेन पुराने में कह रहे हो, भाग भाग मेरे भाई का क्या क्या नाम है? भाग मिल्खा भाग। अच्छा भाग मिल्खा भाग, हाँ 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 ये नई मूवी है ना ये? अब मैंने स्टेशन पे ले गए थे, पोस्टर देखा हुआ लिखा हुआ, हाँ भाग मिल्खा भाग, हाँ बस यही है, भाग भक्त भाग यही है, भागते रहो ऐसे वो कहते हैं ना, जागते रहो हमारा, भागते रहो। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति, समझ गए? अनन्य भक्ति कहते हैं चलते रहो बस, ज़्यादा ज़्यादा सोचते रहोगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो फंस जाओगे। मतलब सोचना तो है ही एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मगर उसे डिस्टर्ब और डिप्रेस नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ो बस, आगे बढ़ो। सो वैसे हॉरर मूवीज़ में दिखाते हैं भागते गिरती रहती गिरती रहती, फिर फाइनली एक पेड़ आता है उससे पैर लट के गिर जाती है, ऐसे ही होता है ना? फिर उठती नहीं, पता नहीं उठती क्यों नहीं है, चोट लग जाती है, हाँ पैर चोट लग जाती है, पैर कुछ लगाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर पीछे से वो आता है पकड़ के मार देता है उसको, यही होता है ना फाइनली? पहला सीन ही होता है हॉरर मूवी का ये जनरली, पहला सीन होता है वो भाग रही होती है, फिर पैर टूट जाता है, फिर बस फिर वो आके पकड़ लेता है। सो या एनीवे, सो ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, अगर हम चलते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे, इसलिए डिवोटीज हैं साथ में, भक्तों के साथ एंथुसियाज्म मिलता रहता है ना, अकेले रहेंगे तो फिर डिप्रेस कंफ्यूज हो जाता है आदमी, डिप्रेस हो जाता है यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी भक्ति अच्छी नहीं है, क्या है कुछ नहीं है, डिस्टर्ब होकर फिर चौपट कर लेता अपना माइंड। हाँ अगर अगर आपकी भक्ति नीचे जा रही हो तो कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेकर लो और आगे बढ़ो, दैट्स ऑल। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं आ रहा फिर भी चलते रहो, फिर जब आएगा तो कर लेना, और क्या होगा, हमने तो यही सीखा है, बाकी तो और कुछ सोचने का टाइम है नहीं मैदा, क्योंकि हम टारगेट तक पहुँचेंगे नहीं, अगर आपने सोचा तो फिर आप नहीं पहुँच पाओगे, और अपॉर्चुनिटी है, चैतन्य महाप्रभु प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर तुम चलते रहोगे तो मिल जाएगा तुम्हें प्रेम, पहुंच जाओगे, टाइम कम है हमें पता है, बट अगर सिंसियरली करेंगे तो हो जाएगा। सो अब हमारे ऊपर है, चीज़ें हैं, सब कुछ है हमारे सामने, हमारे ऊपर है कि हम उसको लें या ना लें। वैसे टाइटल का नाम क्या था, क्राइस्ट क्रिस्टोस और हाँ, तो टाइटल यानी वह टाइटल नहीं बताया मैंने, टाइटल ये है कि टाइटल तो बता दूँ, क्योंकि प्रभुपा कहते थे कि क्राइस्ट कृष्णा से आया क्रिस्टोस और क्रिस्टोस से आया क्राइस्ट। एक्चुअली क्रिस्टोस क्या कैसे आया मैं बताऊँ, क्योंकि हम कृष्णा बोलते हैं, जैसे जैसे आप वेस्ट जाओगे ना, वेस्ट वेस्ट की तरफ, तो गुजराती क्या बोलते हैं, कृष्ण, हाँ ऐसे ही बोलते हैं, के आर यू एस एच एन ए, कृष्ण कृष्ण ऐसे बोलते हैं ना, हाँ कृष्ण, तो वो कृष्ण हो गया, फिर शायद और तो ये अपभ्रंश होते होते ये क्रुष्टो हो गया होगा, फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते क्राइस्ट बन गया होगा, ऐसे होता है, ऐसे शब्द चेंज हो जाते हैं धीरे धीरे ना, आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ोगे उसमें समझ आएगा आपको। अमृतसर का अंबरसर क्या बन गया, अमृतसर का अंबरसर, अंबरसर पहले अंबरसर था, अब अमृतसर हो गया, अमृतसर पंजाबी में क्या है, पंजाबी में अंबरसर कहते हैं, अंबरसर नहीं कहते, अमृतसर कहते हैं, अमृतसर अमृत को अंबरसर कहते हैं, अच्छा जैसे इसका वो बन गया तो लक्ष्मण का लखनऊ बन गया, क्योंकि क्योंकि लखनऊ में तो हाँ, तो राम भगवान ने लक्ष्मण जी को वो एरिया दिया था रूल करने को, तो लक्ष्मण से बना लखन, लखन तो कहते ही हैं राम लखन, और लखन से बन गया लखनऊ सीरियसली, मतलब अपभ्रंश हो के अब कौन कहेगा लक्ष्मण से लखनऊ बन गया, ऐसे कृष्णा से क्राइस्ट बन गया, वो रिसर्च ऐसे ही है। सो
सो हमें पता है कि क्राइस्ट का नाम भी कृष्ण के नाम पे ही था, हमें पता है ये सीक्रेट। इसलिए ऐसा लगता है कि क्राइस्ट के ऑलमाइटी फादर कौन थे? कृष्णा, हम तो ऐसा मानते हैं। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में था, वो कृष्णा कॉन्शियस में आ गया है। उसने 50 साल क्रिश्चियनिटी फॉलो की थी, बचपन से वो क्रिश्चियन में था, कृष्णा कॉन्शियस में आ गया क्योंकि उसने बाइबल में पढ़ा था क्राइस्ट ने कहा कि आई एम द सन ऑफ गॉड। उसके माइंड में हमेशा था कि गॉड का नाम क्या है, गॉड कौन है। तो गॉड के कई नाम है बाइबल में, मगर डिस्क्रिप्शन नहीं है। जब वो यहाँ पे आया तो उसको पता लग गया गॉड तो कृष्णा और डिस्क्रिप्शन ये है, तो बस तो कन्विंस हो गया उसने। वो कह रहा था कि क्राइस्ट के फादर कृष्णा ही है, मैं समझ आ गया। सो ऐसी भी चीज़ें हैं, क्योंकि कई क्रिश्चियन मिस्टिक सेंट्स ने, कई क्रिश्चियन मिस्टिक पता है मिस्टिक क्या होते हैं, जो मेडिटेशन में जाते हैं, समाधि में रहते हैं, तो वो कई मिस्टिक सेंट्स ने, क्रिश्चियन सेंट्स ने गॉड का कलर देखा है और उनका कलर ब्लू बताया है। कई मिस्टिक सेंट्स ने ब्लू बताया है। तो जब ये आए, उन्होंने पढ़ा हुआ था, जब आए उन्होंने कहा ले कृष्णा, सबसे पहला पढ़ा इज ब्लू इन कलर, काम खत्म हो गया। उन्होंने कहा यही तो होंगे फिर। सो अकॉर्डिंग टू हिम ही, वो मुझे बता, वो तो इस्कॉन में डिवोटी हैं अमेरिका में, तो कई साल हो गए मिला नहीं, बट एक बार मिला था पिछली बार में। सो एनी वे, सो ये क्राइस्ट क्रिस्टोस और कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।